बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आप सबको नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और टीचिंग मेथड। कौन सा टीचिंग मेथड है ये? ये है लेक्चर बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग में जस्ट टीचर आता है और अपना लेक्चर दे के चला जाता है, इसमें एक्टिविटीज नहीं होती। ये जरा बड़ी क्लासेस में ज्यादा अप्लाई होता है, जहां पर सिलेबस कवर करना होता है और ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। यानी डिस्कस करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, रवायती सा तरीका है, ये पुराना तरीका है, इजी टू प्रिपेयर लेक्चर। ये आसानी से लेक्चर तैयार हो जाता है, इसमें अपॉर्चुनिटी टू टीच लार्ज ग्रुप, ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है इसमें, इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। नो एक्टिव लर्निंग, कभी कभी ऐसे होता है कि एक्टिव लर्निंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे इसमें जरा पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनसे एक्टिविटीज नहीं करवाई जाती। डिलीवर कंसेप्ट, नो डाउट इसमें टीचर कंसेप्ट भी डिलीवर करता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम नॉलेज, और वो कोशिश करता है कि थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दिया जाए। ले जी, इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लानिंग ऑफ लेक्चर। सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करता है टीचर। प्लानिंग क्या करता है? वो सोचता है, वो प्लान करता है कि इस टाइम में मैंने कितना टॉपिक पढ़ाना है, कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ाना है, कौन सा रेफरेंस देना है, कौन सी रिसर्चेस बतानी है, वो प्लानिंग करेगा। उसके बाद वो इंट्रोडक्शन करवाएगा लेक्चर का कि मैंने कौन सा टॉपिक में पढ़ाने लगा हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट फेजेस आता है, जिसमें वो पार्ट्स बताता है लेक्चर के, वो कि ये वाली चीज ऐसे है, ये वाली चीज ऐसे है, इसके इक्वेशन को ये इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसकी डायग्राम ऐसे बताते हैं, इस तरह की बातें, या इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे बताए जाते हैं। और लास्ट पे एवेल्युएशन का फेज आता है कि वो चेक करता है बच्चों को किस हद तक लर्निंग हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद इसके ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसका। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है और उसके बिल्कुल सामने है स्टूडेंट्स। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और या अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो प्रोजेक्टर का यूज कर रहा है टीचर, तो प्रोजेक्टर लगा होता। फिर वो लर्निंग जो कंटेंट है, वो कौन सा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, उसकी ड्रिल और प्रैक्टिस कैसे करते हैं। यानी ये एक फ्लो चार्ट है लेक्चर बेस में, कि एक इंस्ट्रक्टर कैसे स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एडवांटेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो ये इकोनॉमिकल है कि ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है थोड़े टाइम में, सेव टाइम, टाइम सेव हो जाता है। और सिलेबस का जो इशू है ना, अक्सर होता है कि ज्यादा सिलेबस है, कैसे कवर करें इसे, तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी तरीके हों, जितने भी मेथड्स हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सिलेबस कवर नहीं होता, उसमें बच्चों से एक्टिविटीज जो करवाई जाती हैं तो वो टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर थोड़ा टाइम हो तो फिर ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लें जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको फौरन इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।